वेलकम गाइस, ऐसा सीआईक्यू ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं जे बैकलॉग 2017 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशनल जानकारियाँ देता रहता हूँ। जे बैकलॉग 2017 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्या रीज़न है ये सारा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी TSSC जो आयोग है उसमें पहली बात तो स्टाफ कम है, ऊपर से जो स्टाफ है उनको छुट्टी भी जाना रहता है, कुछ जो स्टाफ होता है छुट्टी चला जाता है, छुट्टियां आती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी छुट्टी जो है जो स्टाफ है वो तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो वो छुट्टियां लेने के चक्कर में जो भी रिजल्ट होते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड डेट अनाउंस करते हैं वीडियो के माध्यम से, वो गलत हो जाती हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, जे बैकलॉग का जो 2017 है इसका जो रिजल्ट है वो रेडी है। अभी इसका जो है फाइनल रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, मतलब ये जो रिजल्ट है आपको जनवरी में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब जनवरी के पूरे महीने में, मान लीजिए फर्स्ट वीक को छोड़ के सेकेंड थर्ड या फोर्थ वीक में आने के इसके 100% चांस हैं। और ये अभी डिले क्यों हो रहा है, डिले होने का एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि जो सीनियर पर्सन होते हैं जब वो छुट्टियां चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं या किसी कारणवश अब्सेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो इन जो रिजल्ट्स होता है उनके जो मेन डिसीजंस होते हैं वो लेने में टाइम लग जाता है। तो ये सारे एक पर्टिकुलर रीजंस हैं स्पेसिफिक जो जिसकी वजह से रिजल्ट डिले होते चले जाते हैं। तो अभी जनवरी में चांस है कि जनवरी में आयोग अच्छे से काम करने वाला है और आपको जे बैकलॉग का जो रिजल्ट है वो जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।